नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय टुडे। मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी ठाकुर। बेगूसराय के बलिया से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। ये एक ऐसी खबर है जो एक साथ कई नकाब को उतार दे रही है। देश की सेवा कर घर सकुशल वापसी करने वाले एक जवान की ऐसी गाथा है जो आपको झकझोर कर रख देगी। जिसकी की इतनी इज्जत की, आज उसी खाकी वालों ने सब कुछ ताक पर रख दिया। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ सदानंदपुर निवासी रिटायर्ड फौजी संतोष राय की, जिन्हें अब अपने घर में भी रहने नहीं दिया जा रहा है। यूं तो मामला भूमि विवाद से है, पर कई बार संतोष राय के द्वारा थाने में अर्जी देने के बावजूद भी बलिया पुलिस के कान पर जूं तक नहीं रेंगा है। संतोष राय ने परिवार सहित बलिया थाने में धरना भी दिया। वरीय पदाधिकारी से अपने और अपने परिवार के जान माल की रक्षा हेतु गुहार भी लगाए, पर हुआ कुछ भी नहीं। जब दूसरे पक्ष के लोगों के द्वारा, जिनसे संतोष राय और उनके परिवार को जान का खतरा था, उसने अचानक लाठी डंडे से पीटना शुरू कर दिया, तो संतोष राय भी अपनी जान की बचाव हेतु इस फौजी ने भी दूसरे पक्ष को पीटा। फिर क्या था, बलिया पुलिस ने संतोष राय यानी कि फौजी को और उनके 80 वर्षीय बूढ़े बाप हिरासत में ले लिया, जो कि अभी भी हाल ही में लकवा ग्रसित हो गए थे, जिनका इलाज बेगूसराय के निजी क्लिनिक में चल रहा था। हद तो तब हो गई जब दूसरे पक्ष के लोग आज़ाद घूमते नजर आए। मैं बलिया के समस्त पत्रकार बंधुओं से ये अपील करती हूँ कि बलिया पुलिस के इस अमानवीय चेहरा पर सवाल खड़ा करें।